Hello friends, good evening. Today we are going to discuss quantity aptitude quiz for IBPS and 2nd February 2019 and this is the day 10. Today's topic is profit and loss. Now question number 1. Viplav calculates his profit percentage on the selling price whereas Rehan calculates his profit on the cost price. They find that the differences of their profit is Rs. 275. If the selling price for both of them is same and Viplav gets 25% profit and Rehan gets 15% profit, then find their selling price. हमें selling price find करना है. दोनों लोगों का selling price same है, इसलिए selling price हमें overall find करना है. So इधर हम विप्लव को V से डिनोट कर लेते हैं एंड रेहान को R से. विप्लव गेट्स 25% प्रॉफिट. विप्लव जो है 25% प्रॉफिट इनको मिलता है. सो 25% प्रॉफिट को हम ऐसे ले सकते हैं 1 बाई फोर. अब विप्लव को प्रॉफिट जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर. तो सो ये क्या हो जाएगा? 4 सेलिंग प्राइस एंड दिस इज़ अ प्रॉफिट. सो इधर से हम ऐसे बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस इज 4 एंड प्रॉफिट इज 1 एंड कॉस्ट प्राइस इज 3. प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 4 और सेलिंग प्राइस 4 था जिसमें इंक्लूडेड है 1 प्रॉफिट, सो कॉस्ट प्राइस 3. एंड रेहान को प्रॉफिट हो रहा है 15% का. सो 15% हम ऐसे बोल सकते हैं 3 अपॉन 20. रेहान को जो प्रॉफिट हो रहा था वो एज इट इज़ कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस पर हो रहा था. सो दिस इज़ सो सी पी एंड दिस इज़ प्रॉफिट. सो कॉस्ट प्राइस इज 20 एंड प्रॉफिट इज 3 एंड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सो 23. नाउ क्वेश्चन इज सेलिंग प्राइस फॉर बोथ ऑफ देम इन सेम. सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, बट हमने क्या देखा यहाँ पर? सेलिंग प्राइस विप्लव का 4 है एंड रेहान का 23 है. तो हम इन दोनों को सेम कर लेंगे. सेम करने के लिए क्या करना होगा? हम 23 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे एंड 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे. सो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 92 एंड प्रॉफिट सेलिंग प्राइस 92, प्रॉफिट 23 एंड कॉस्ट प्राइस 69. एंड रेहान का 4 का मल्टीप्लाई करने पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 92. अब यहाँ से सेलिंग प्राइस सेम हो गया बट इधर भी 4 का मल्टीप्लाई होगा. प्रॉफिट इज 12 एंड कॉस्ट प्राइस दोनों को ऐड कर देंगे या फिर सीधे इधर से बोल सकते हैं 80. कॉस्ट प्राइस इज 80. अब यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो गया. प्रॉफिट विप्लव का इतना था और रिहान का इतना था. क्वेश्चन में चेक देखते हैं क्या है. दे फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट्स, यानी कि दोनों का जो प्रॉफिट था वो उनका डिफरेंस 275 था. सो विप्लव का प्रॉफिट हम वीपी से डिनोट कर लेते हैं एंड रेहान का प्रॉफिट. सो रेहान प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 23 माइनस 12. सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा यहाँ से? 11. यानी दोनों का जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 11 है एंड क्वेश्चन में कितना गिवन है? 275. सो इसके इक्वल कर देंगे 275. यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 हो जाएगा 25 के. पूछा गया है आपसे फाइंड देयर सेलिंग प्राइस. दोनों लोगों का सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना था? 92. सो हम यहाँ से 92 की वैल्यू निकाल लेंगे. 25 इंटू 92 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 92 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1840 एंड
फाइव का मल्टीप्लाई 92 में करेंगे सो हाफ हो जाएगा 920 का, तो 460। यहाँ से इसको सॉल्व ऐड करेंगे 0, 0, 8, 4, 12 एंड 13 एंड 1 कैरी 23। सो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो 2300 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ रिटेलर परचेज रेडियो सेट्स एट द रेट ऑफ ₹400 ईच फ्रॉम अ होलसेलर। ही मार्क अप द प्राइस बाई 30% एंड अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन ईच सेट, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। हम लेट कर लेते हैं जो मार्क प्राइस है वो कितना है। यहाँ से ही रेटल परचेज रेट सेट एट द रेट ऑफ 400 ईच फॉर, ठीक है, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 400। यहाँ पर मार्क अप प्राइस यानी कि 30% उसे अप कर रखा है 13%, तो 130। सो यहाँ से कितना हो जाएगा एमपी 520। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 520। यहाँ पे उसने 8% का डिस्काउंट दे दिया है, सो 8% का डिस्काउंट यानी कि इसमें 92% पर बेचा होगा, सेल किया होगा। सो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 478.4 हो जाएगा। प्रॉफिट फोर सेवन एट पॉइंट फोर कैसे आया 520। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया था यहाँ से ऐसे, यानी कि 92 एंड 52 बाई 10 को सॉल्व करने पर 92 इंटू 50 कितना हो जाएगा 4600 एंड 92 इंटू 2 184। सो डिवाइडेड बाई 10, यहाँ से इसको सॉल्व किया 4, 8 एंड 7, 4 और डिवाइडेड यहाँ से इसको 478.4 ये आ गया, जो कि यहाँ पर ऐसे था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 400। सो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 4784 माइनस 400 अपॉन, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, सो ये हो जाएगा यहाँ से 78.4 अपॉन 4, इसको सॉल्व करेंगे 419 एंड 4 6 24 19.6% प्रॉफिट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर टू। एंड अनदर मेथड इज, हम लेट कर लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है और 30% वो मार्क्ड अप कर देते हैं, यानी कि मार्क प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है 30% ज़्यादा होगा। सो 130 मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कितना, सेल इसको कितने डिस्काउंट पर करते हैं 8% डिस्काउंट पर, सो 130 का 8% 104 को 130 से लेस कर देंगे, सो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 109.6। अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस ये हो गया, कॉस्ट प्राइस ये हो गया, प्रॉफिट परसेंट 19.6%। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 per rupee एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 4 per rupee। He mixed both the types and sold at the rate of 9 for 2 rupee. In this business, he suffered a loss of rupees 3. The total number of article bought by him was. So, हम इसको कैसे निकालेंगे, हम सारे जो भी इसके articles थे इधर भी सेम था बट मिक्स करने पर यहाँ पर दोनों का ऐड हो जाएगा। सो पहले हम इसको क्या कर लेते थे, आर्टिकल्स को सेम कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर एक आर्टिकल्स कितने में बाई किया होगा, वन आर्टिकल इक्वल टू 1/5
एंड यहाँ पर वन आर्टिकल कितने में किया होगा, 1/4, और जब सेल किया तो 942 रुपीज़ में। तो सेलिंग प्राइस ये था दोनों का कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस था एंड ये भी कॉस्ट प्राइस था। सेलिंग प्राइस में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो किया 2/9, एक आर्टिकल का 2/9। सो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पर 9 है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट टोटल आर्टिकल जो होगा 5/4/9 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम 5/4/9 का क्या हो गया, मल्टीपल में 5/4/9 का 360 लेट कर लेते हैं। सो 360 टोटल आर्टिकल हो गया, यानी कि सेम आर्टिकल इसमें था और सेम आर्टिकल इसमें था। तो 180 1/5 रुपीज़ में जाता है, कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकालते हैं, एंड 180 सेम आर्टिकल इसका भी था। सो 180 इंटू 1/4, यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 36 प्लस 45, 81 रुपीज़ हो गया कॉस्ट प्राइस। एंड सेलिंग प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस टोटल आर्टिकल्स का होगा 360, यहाँ पर इस फॉर्म में सेल कर रहे हैं तो 2/9, 940 एंड 80 रुपीज़, यानी कि सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस 81 रुपीज़। प्रॉफिट होगा क्योंकि सेलिंग प्रॉफिट नहीं, लॉस क्योंकि कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम होगा। सो 81 माइनस 80, 1 रुपीज़ का लॉस हो गया। बट ये तो हमारे अकॉर्डिंग है, हमने यार लेट किया था, बट क्वेश्चन में कितना गिवन है, 3, जो लॉस हो रहा है वह 3 का है। सो 1 इज़ इक्वल टू 3, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने लेट किया, 360, तो 1 इज़ इक्वल टू 3, देन 360 इज़ इक्वल टू, या 360 इंटू 3 बोल सकते हैं, 1080, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 1080। सो आंसर नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज निकता अबाउट 30 किलोग्राम ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 9.50 पर किलोग्राम एंड द सेम अमाउंट ऑफ अनदर टाइप ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 8.50 पर किलोग्राम एंड मिक्सड इन। सी सोल्ड द मिक्सचर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 8.90 पर किलोग्राम। हियर हर टोटल प्रॉफिट और लॉस इन ट्रांजेक्शन वॉज, टोटल उसे ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। सो कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा 30 किलोग्राम को सेल किया है 9.50 में एंड सेम अमाउंट है, यानी कि 30 किलोग्राम इंटू इसको सेल किया है 8.50 में। यहाँ से अगर हम 30 को कॉमन ले लेते हैं, 9.5 प्लस 8.5 टोटल कितना हो गया, 30 इंटू 18, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5/4/0 एंड सेलिंग प्राइस इज 30 प्लस 30 यानी 60, किस रेट में सेल किया, 8.9 में। सो कितना हो जाएगा, 5/3/4 ठीक है, सेलिंग प्राइस 5/3/4 एंड कॉस्ट प्राइस इज 540। सो लॉस, क्यों लॉस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से लेस में अमाउंट में 540 माइनस 534, सो लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया रुपीज़ 6 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ बुक सेलर परचेज्ड 120 एक्सरसाइज बुक्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 3 ईच एंड सोल्ड 1/3 ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4
1/2 of them at the rate of ₹5 each and the rest at the cost price, यानी cost price 3 में, यहाँ पे cost price में rest को बेचा. Then find the total profit percent of bookseller. So cost price पहले तो 120 into 3, क्यों? क्योंकि purchase इतने में किया था उसने. So cost price कितना हो जाएगा? ₹360 and selling price 1/2 का 1/3, 1/2 का 1/3 कितना होगा? 40. 40 को सेल कर रहा है 4 में, प्लस 120 का 1/2 यानी 60, इसको सेल कर रहा है ₹5 में. एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट कितना बचा? 100 रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग बुक्स 20, इसको कॉस्ट प्राइस में यानी कि 3 में. टोटल यहाँ पे कितना हो गया? 160 प्लस 300 प्लस 60, टोटल 0, 2 and 5, टोटल सेलिंग प्राइस ₹520. नाउ पूछा है देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 520 माइनस कॉस्ट प्राइस 360. प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो 360 इंटू 100. सो यहाँ से 160 अपॉन 360 इंटू 100, 160 360 एंड 520 लेस किया 160, ठीक है. सो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 and 9 यानी कि 4/9 इंटू 100. अब 1/9 को क्या लिखते हैं? 1/9 को क्या लिख सकते हैं? 11:1/9%. सो 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है 44 और 4/9% आंसर हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज रेशमा परचेज्ड अ टीवी एंड अ मोबाइल फोन फॉर ₹12,000 एंड ₹10,000 रिस्पेक्टिवली. यानी कि टीवी है 12,000 एंड मोबाइल 10,000. सी सोल्ड द टीवी एट अ लॉस ऑफ 12% एंड मोबाइल फोन एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%. वॉट इज हर ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट? सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा टीवी का? सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी 12,000, लॉस में 12% का लॉस हो रहा है यानी कि 88 अपॉन 100. सो वन टू डबल ज़ीरो, सो क्या हो जाएगा यहाँ से 88 इंटू 120. यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 120 का 80 में मल्टीप्लाई 9600 एंड 120 का फिर 8 में मल्टीप्लाई 960. यहाँ से सॉल्व किया इसको 06501, ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी. सेलिंग प्राइस ऑफ फ़ोन या मोबाइल इक्वल टू 10,000 इंटू प्रॉफिट हो रहा है मोबाइल फ़ोन को सेल करने पर 8% का, तो 108 अपॉन 100. सो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा मोबाइल का वो 10800 रुपीज़. एंड टोटल, अब यहाँ से टोटल हम निकाल लेते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस 10560 प्लस 10800, टोटल सेलिंग प्राइस 06 and 8513 1 and 2, टोटल सेलिंग प्राइस 21360. टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड मोबाइल कितना आ रहा? 12,000 and 10,000, 22,000. वॉट इज ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है. सो so,
लॉस क्योंकि सीपी से लेस अमाउंट है एसपी का. सो 220 माइनस 21360 कितने का डिफरेंस है, 0 and 4 640. 640 रुपीस का लॉस हो रहा है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में. सो ऑन द चेकिंग ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. अ मैन सोल्ड अ रिस्ट वॉच फॉर रुपीज 2400 एट अ लॉस ऑफ 25%. एट वॉट रेट शुड ही हैव सोल्ड द रिस्ट वॉच टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%. यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 2400 × 100. जब उससे 2400 में सेल करता है तो उसे 25% का लॉस होता है. यानी कि हम 75 से इसको सेपरेट करें, डिवाइड करें 4 and 8. कॉस्ट प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच इज 3200. एंड अब इसमें 25% का प्रॉफिट चाहिए हमें, तो उस कॉस्ट प्राइस हमें 3200 एंड इस पर 120, इस पर 25% का प्रॉफिट यानी 125/100. सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से जीरो से ये एंड 125 × 32 सॉल्व किया. 125 का 30 से मल्टीप्लाई, 0537 एंड 125 का 2 से मल्टीप्लाई, 250. सो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4000. नाउ पूछा है इसे, बस सेलिंग प्राइस ही पूछा गया था कि अगर 25% का प्रॉफिट हमें चाहिए तो किस हम सेलिंग प्राइस पर इसको सेल करें. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7. इसका डायरेक्टली मेथड हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हमें जैसे कि कॉस्ट जो मैन सोल्ड 24 ये हमें गिवन है एंड आपसे पूछा क्या गया है, 25% प्रॉफिट पर पूछा गया है. सो हम 125 एंड कितने परसेंट लॉस पर इसको बेचा गया था, सेल किया गया था, 75. 25% का लॉस हुआ था तो 75. यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते डायरेक्टली, 25 × 3 = 25 एंड 25 × 5 = 125. सो यहाँ से डायरेक्टली आपका 4000 आंसर आ जाएगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज रिहान परचेज्ड अ बाइक फॉर रुपीज 54000. ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 8%. ठीक है, विद दैट मनी ही अगेन परचेज्ड अनदर बाइक एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. व्हाट इज ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट. 54000 को 8% वो लॉस पर सेल करता है, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा फर्स्ट बाइक का, 92/100. सॉल्व मल्टीप्लाई करने पर 49680. अब इस अमाउंट से उसने एक अनदर बाइक खरीदी, यानी कि 49680 की एक अनदर बाइक खरीदी और उसको 10% प्रॉफिट पर सेल कर दिया, यानी कि 110/100. सो 49680 प्लस फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 4968, यहाँ से 54648. वॉट इज ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट, यानी यहाँ से जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 54648 है एंड कॉस्ट प्राइस था 54000. सो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 54648 माइनस 54000. सो सेलिंग प्राइस हो जाएगी प्रॉफिट हो जाएगा 648. यानी कि प्रॉफिट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8. एंड एक मेथड, ये तो बेसिक मेथड था, इसका एक मेथड और हम इसको ले सकते हैं.
54,000 हमें गिवेन था, जिसमें से 8% लॉस पर उसे 8% का डिस्काउंट दे दिया गया था, नहीं 8% का लॉस था एंड प्रॉफिट हमें 10% का चाहिए था। सो 54,000 8% का लॉस, यानी कि इतने पर हमने सेल कर दिया होगा, फिर अनदर प्रॉफिट हमें चाहिए इस पर। सो इसको डायरेक्टली यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सो आंसर हमें यहाँ से सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 54,648 एंड कॉस्ट प्राइस था 54,000, यहाँ से प्रॉफिट क्या हो जाएगा 648। अनदर मेथड इज ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 का, हमें लॉस हो रहा था 8 का, प्रॉफिट हमें 10 का चाहिए था एंड 80 अपॉन 100, यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 एंड माइनस 1.2 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हम यहाँ से प्रॉफिट अगर निकालें 54,000 का 1.2%। सो 12,560 एंड 12,448, यहाँ से 648 प्रॉफिट हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अ मर्चेंट बाइज टू आइटम्स फॉर रुपीज 7,500 एंड वन आइटम ही सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 16% एंड द अदर आइटम एट अ 14% लॉस। इन द डील द मर्चेंट मेक्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइज ऑफ बोथ द आइटम्स। सो हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट आर्टिकल को, या फर्स्ट जो आइटम था वो एक्स था एंड अनदर आइटम जो था वो 7,500 माइनस एक्स था। तो फर्स्ट आइटम को 16% प्रॉफिट पर, सो 16% प्रॉफिट प्लस रिमेनिंग आइटम को 14% प्रॉफिट लॉस पर, सो 86 ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। सो 7,500 यहाँ से सॉल्व कर देंगे 116x प्लस 7,500 इंटू 86 माइनस 86x इक्वल टू 116x से 86 को लेस करेंगे 30x और 75 माइनस 7,500 इंटू 86 यहाँ से 30x और 7,500 कॉमन ले लिया 100 माइनस 86 इसको सॉल्व कर लिया कट कर दिया यहाँ से तो x हो जाएगा 3,2 6 3,5 15 25,0 एंड 100 माइनस 86 14 इंटू 14 एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3,500 यानी कि एक आइटम 3,500 था एंड अनदर आइटम 7,500 माइनस 3,500 यहाँ पर अनदर आइटम ये लेट किया था ना तो इसको यहाँ से सॉल्व करने पर 4,000 पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आइटम पहला ये है एंड सेकंड ये है डिफरेंस क्या हो जाएगा इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे 3,500 सो आंसर क्या आ जाएगा 500 सो ऑप्शन नंबर सी ये तो था सिंपल मेथड दूसरा मेथड ये है जैसे कि हमें क्या ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है पहले को हमने 16% प्रॉफिट पर बेचा था यानी कि प्लस 16% एंड सेकंड को 14% लॉस पर 14% लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस तो हम जीरो लेट कर लें इधर क्या हो जाएगा 16 एंड 14 रेशियो क्या हो जाएगा 7:8 हो जाएगा टोटल आइटम 7,500 थे टोटल रेशियो 15 को हम 7,500 के इक्वल कर सकते हैं यानी कि 1,500 पूछा गया है कॉस्ट प्राइस डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस डिफरेंस रेशियो कितना है 1 सो आंसर क्या हो जाएगा 500 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9 नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 इज द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1516 इज द सेम एज अ लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज 1112 व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है एक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस पी माइनस सी पी में जो प्रॉफिट जो प्रॉफिट होता है वो लॉस के इक्वल है पहले में 1516 सेलिंग प्राइस था एंड कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर लिया एक्स एक्स फिर हमने सेल किस में किया 1112 यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं 2x स्क्वायर टू 1516 प्लस 2x स्क्वायर टू 2628 एक्स की वैल्यू यहाँ से 1314 डायरेक्टली भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को डायरेक्टली सम कर दीजिए सम करके सम करने के बाद बस 2 से डिवाइड कर दीजिए 1314 सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 इज आर डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द शॉपकीपर चार्जेस सेल्स टैक्स ऑफ 6% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस बी रुपीज 1081.0 व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल लेट मार्क प्राइस इज एक्स रुपीज सो एक्स रुपीज मार्क प्राइस था डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है सो 15% का डिस्काउंट हो गया यानी कि 85% पर हमने सेल कर दिया एंड शॉपकीपर चार्जेस सेल्स टैक्स ऑफ 6% ऑफ द डिस्काउंटेड परसेंट जो चार्ज लेगा 6% वो कस्टमर से होगा यानी कि प्रॉफिट कंसीडर कर सकते हैं तो 106 जो कि इक्वल हो जाएगा किसके सेलिंग प्राइस के 1081.0 यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू 1081.0 0.2 इंटू अपॉन 85 इंटू 106 17 से डिवाइड करते हैं 17 5 85 एंड 17 6 102 एंड 6 17 3 and 6 106 से 636 को डिवाइड करते हैं 6 टाइम जाएगा सो 6 इंटू डिवाइडेड बाई 5 6 इंटू 2 एंड 12,000 सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11 नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 इज द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एज अ रिजल्ट अ फैमिली हैज डिक्रीज्ड इट्स कंजप्शन बाय 20% द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन शुगर इज डिक्रीज्ड बाय एक्सपेंडिचर जो है फैमिली ने कितना शुगर का कम कर दिया था सो शुगर हम लेट कर लेते हैं इनिशियल में एक्स रुपीज पर केजी एंड कंजप्शन जो था इनिशियल में वो था 1 kg एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी टोटल एक्सपेंडिचर इज एक्स वाई अब इंक्रीज्ड बाई प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय यानी कि एक्सपेंडिचर ये था प्राइस क्या हो गया इंक्रीज्ड हो गया 20% प्राइस 20% इंक्रीज हो गया यानी कि 1.2x एंड जो कंजप्शन था वो 20% से लेस हो गया कंजप्शन कितना था y लेस हो गया यानी कि 0.8y परसेंटेज में निकालना है तो
टोटल जो इनिशियल एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंडिचर से कंपेयर करेंगे, तो 100 यहाँ से एक्स वाई माइनस 0.9 एक्स वाई अपॉन एक्स वाई इंटू 100, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, वन में से 0.96 को लेस करेंगे, 0.04 इंटू 100 या हम उसको बोल सकते हैं 4%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स एक अनदर मेथड लेट कर लेते हैं, प्राइस क्वांटिटी का मल्टी जो हो जाता है वो एक्सपेंडिचर हो जाता है। लेट किया प्राइस जो है 10 है, क्वांटिटी आल्सो 10 एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज 100। प्राइस क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20%, प्राइस को हमने इंक्रीज कर दिया 20% से 12 हो गया, एंड क्वांटिटी इज कंजप्शन डिक्रीज हो जाता है वो 20%, इसको हमने 20% से डिक्रीज कर दिया 8 हो जाएगा। इसका सम कितना, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 96, पहले 100 था अब 96 हो गया, कितना कम, 4% कम, या कितना कम, 4 कहाँ से, 100 से, सो 4% इज डिक्रीज्ड हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ परचेजर टू ऑब्टेन 3 किलोग्राम मोर फॉर रुपीज 120। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर इज 3 किलोग्राम, वो कब खरीदता है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ परचेजर टू ऑब्टेन 3 किलोग्राम मोर फॉर रुपीज 120, यानी कि 120 का 20% कितना, 240, 24, और ये 3 किलोग्राम मोर हो जाता है, यानी कि 3 हो जाएगा वो 24 के इक्वल, 18, यानी कि 1 जो हो जाएगा वो 8 के इक्वल हो जाएगा, और ये कब हुआ, जब हम 20% का रिडक्शन कर देते हैं। सो हम लेट कर लेते हैं जो ओरिजिनल प्राइस है वो x है, x का 20% रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन हो गया 100 में से 20 को लेस किया 80, जो कि इक्वल हो जाएगा 8 के, यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाएगी, यानी इनिशियल जो जो रुपीज़ था वो हो जाएगा 10 रुपीज़। अब इसको हम उसी मेथड से करते हैं जैसे अभी हमने ऊपर किया था, क्वांटिटी प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो है हमें आपसे पता है जो है 120 का है, सो 120 हम लेट कर लेते हैं, क्वांटिटी एक्स था, जो प्राइस है वो एक्स है और क्वांटिटी वाई है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 120। फिर प्राइस जो है वो तीन किलोग्राम ज़्यादा हो गया, यानी कि क्वांटिटी बढ़ गया एक्स प्लस 3 एंड रिडक्शन हो गया प्राइस में, वाई का रिडक्शन हो गया 20%, अब कितना हो गया 0.8 वाई, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू 0.8 वाई, जो कि इसी के इक्वल है, यानी कि हमें इसको इक्वल कर देना होगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 0.8 xy प्लस 2.4 y इक्वल टू 120। एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं, 0.8 इंटू 120 प्लस 2.4 y इक्वल टू 120, 96 प्लस 2.4 y इक्वल टू 120, 2.4 y को इधर रखा एंड 120 में से 96 को लेस करेंगे 24, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और इनिशियल वैल्यू y ही हमने लेट किया था, सो ऑप्शन आंसर इज डी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ पर्सन बॉट 76 काउज एंड सोल्ड 20 काउज एट 15% प्रॉफिट,
40 काउस 90% प्रॉफिट, 19% प्रॉफिट, रिमेनिंग काउस 25% प्रॉफिट एंड गॉट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6570 एज अ होल. द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच काउ इज, ट्वेंटी काउ को 15% प्रॉफिट पर यानी कि 115 प्लस 40 काउ को 19% प्रॉफिट 190 प्लस रिमेनिंग काउस 40 प्लस 20 60 एंड टोटल काउस इज 76 यानी कि रिमेनिंग काउस इज 16 इंटू प्रॉफिट है 25% यानी 125. माइनस 76 76 इक्वल टू 6570. वन की वैल्यू यहाँ से निकाल, या फिर हम इसको एलर्ट कर लेते हैं कि सी पी ऑफ ईच काउ इज एक्स रुपीज़. सो यहाँ से हम एक्स 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 लिख देते हैं, सबको ऐड करने पर नाइन जीरो सिक्स जीरो माइनस एक्स माइनस इधर से एलसीएम आ जाएगा 7600 एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 6570. यहाँ से सॉल्व करने पर 4060 एक्स इक्वल टू 6570 एंड 100 का मल्टीप्लाई. सो एक्स की वैल्यू 6570 अपॉन 1460, तो यहाँ सॉल्व करने पर x की वैल्यू 450. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% इफ द एक्सपेंडिचर ऑन सुगर हैज टू बी केप्ट द सेम एज अर्लियर. द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन द कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन. प्राइस, क्वांटिटी एंड एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लाई ही होता है. लेट कर लेते हैं, प्राइस इनिशियल में 10 था, क्वांटिटी भी 10 थी, एक्सपेंडिचर टोटल 100 था. द प्राइस ऑफ सुगर इंक्रीज बाय 20%. प्राइस जो होता था इंक्रीज होता है 20% यानी कि 12 एंड एक्सपेंडिचर ऑन सुगर हैज़ टू बी केप्ट सेम. जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा, यानी कि यहाँ से हम क्वांटिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं. क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 अपॉन 12 इक्वल टू सॉल्व किया 25/3. एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 25/3, या हम इसको ये ऐसे डिनोट कर दें यहाँ पर 25/3. पूछा गया है द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन पूछा गया है. सो पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा 25/3, 10 माइनस 25/3 एंड ओरिजिनल कंजप्शन कितना था, 10. ओरिजिनल कंजप्शन 10 था. सो 10 इसको सॉल्व करते हैं, 30 माइनस 25 यानी 5/3 इक्वल टू 10 इक्वल टू रेशियो 10, 5 2 10 यानी कि 1:6. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15. तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. तो इसी के साथ कुछ को एंड करते हैं. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डे 10 ऑफ द IBPS 2019 फॉर द 6 month प्रिपरेशन प्लान फॉर IBPS एग्जाम्स 2019 इंग्लिश लैंग्वेज क्विज. आज का जो हमारा क्विज है दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन idioms एंड phrases. तो चलते हैं हमारे questions की तरफ. Question number 1 to 15, directions. In each of the questions given below, a phrase or idiom is given in bold and 5 options are given below it. You have to choose the option which best describes the meaning of the phrase or the idiom. तो आपके पास एक idiom दे रखा है.
you have an idiom and you're given five options and you have to tick mark the correct option through question number one through thick and thin. A, do something impossible. B, to remain neutral in any of the situation. C, healthy and thin. D, under all circumstances. E, none of these. Through thick and thin ka meaning hota hai D, under all circumstances. So answer is D. Question number two, go cold turkey. A, to become a coward. B, to stop doing or using something abruptly and completely. To travel to Turkey. D, to have a power nap. E, none of these. Cold turkey ka matlab hota hai to stop doing or using something abruptly and completely. So answer is B. Question number three, wet your whistle. A, to get admired for a work. B, to be courageous. C, to take rest after a long day's work. D, to have a drink. E, none of these. Wet your whistle ka matlab hota hai to have a drink. Answer is D. Question number four, wrap your head around something. Create difficulties by your own. B, to comprehend something that one considers challenging or confusing. In the middle of something. D, to work very hard. To wrap your head around something ka meaning hota hai B. Matlab aap kisi cheez ke around apne aap ko puri tarike se wrap around karte hain. Usse apne dimaag ko puri tarah circumcise matlab bilkul aap usi ke according apne aap ko dhal lete hain. To same meaning hai B. Answer is B. Question number five, don't give up the day job. A, not to pursue something at which they are unlikely to be successful. To not get tired. C, to start the proceedings of the day. D, to go for leave. Answer is A, not to pursue something at which they are unlikely to be successful. Answer is A. Question number six, hold one's tongue. Talk a lot. To perform tricks, to hold one's tongue with fingers, to not speak. ये बहुत ही common phrase है, common idiom है जो हम सुनते हैं normally. Answer is D. Question number seven, fat chance. Used to say that you certainly do not think that something is likely to happen. Used to say that you missed a great opportunity. Used to say that something is likely to happen, especially something bad. Futile chance. Question number seven ka answer hai A. Used to say that you certainly do not think that something is likely to happen. Answer is A. Question number eight, throw someone under the bus. To make someone meet with an accident. Cause someone else to suffer in order to save oneself. To push someone before a moving vehicle. To be traveler or the one who travels a lot. Answer is B. Bahut hi common idiom hai ye. Answer B. Question number nine, too many chiefs and not enough Indians. Too many leaders in a single party. Too many chiefs to make continental food. Too many people giving orders and not enough people to carry them out. Too many foreigners but not too many Indians. So question number nine ka answer hai C. Answer is C. Question number 10, hit the sack. To wake up early, to go to bed, to go for a walk and workout, to visit an old friend. Hit the sack ek bahut hi common idiom hai, to go to bed. Answer is B. Question number 11, whole nine yards. A wealthy person, a mysterious area, a long distance, everything possible or available. Whole nine yards ka meaning hota hai. Whole nine yards matlab ek tarah se completely. Answer is D.
क्वेश्चन नंबर 12, कप ऑफ जोई, अ कप विद जोई प्रिंटेड ऑन इट, अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ टी, अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर समवन. क्वेश्चन नंबर 12 का मीनिंग है अ कप ऑफ जोई प्रिंटेड ऑन इट. ये निकनेम होता है जो यूज होता है अमेरिका में. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 13, अ डाइम अ डजन, टू मेक फ्यूचर प्लान्स एन इजी टास्क, वेरी कॉमन, वेरी डेंजरस. 13 का आंसर है सी, वेरी कॉमन, अ डाइम अ डजन. क्वेश्चन नंबर 14, हैव अ ब्लास्ट, टू ब्लास्ट अ बॉम्ब, टू एंजॉय वन सेल्फ, हैव अ गुड टाइम, ट्राई टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, वर्क और लेबर लेट इनटू नाइट. ये भी बहुत कॉमन इडियम है, इसका आंसर है बी. हम जनरली जब किसी को विश करते हैं तो ये बोलते हैं, आंसर बी. नकल सैंडविच, अ चेयरफुल पर्सन, अ डिश विच इज टेस्टलेस, अ डिलिशियस सैंडविच, अ पंच इन द माउथ. इसका मीनिंग होता है नकल सैंडविच का, नकल मतलब फिस्ट, हम नॉर्मली बोलते हैं फिस्ट, नकल का मतलब होता है फिस्ट, तो अ पंच इन द माउथ. आंसर इज डी. ठीक है तो गाइज, ये था हमारा डिस्कशन फॉर इडियम्स एंड फ्रेजेस. फॉर IBPS 2019. थैंक यू. Welcome to Bankers Adda. Today is day 10 of Kar IBPS 2019 Fateh. Directions 1 to 5. Aaj ki file coding decoding ki hai. In a certain code, Ram is small boy is written as this. Boy Ramesh Aman is written as this. Aman is small is written as this. And Mahesh small Ramesh is written as this. To chaliye words ko decode karte hain. क्लियरली स्मॉल यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो स्मॉल का कोड हो गया PA. नेक्स्ट राम का कोड कहीं भी कॉमन नहीं है, इज कॉमन है हमारे फर्स्ट में और सेकंड में, सॉरी थर्ड में. तो इज का कोड हो गया LE. बॉय हमारा फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन है, तो बॉय का कोड हो गया HI. तो क्लियरली राम का कोड हो गया TA. रमेश हमारा फर्स्ट में और थर्ड में, सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ में कॉमन है, तो रमेश का कोड हो गया KI. तो क्लियरली अमन का कोड हो गया NE. और महेश का कोड हो गया ZI. चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following can be coded as PA means small, TA means Ram, KI matlab Ramesh, and LE that is. So clearly hamara option C that is Ram is Ramesh small hamara correct answer hai. Question number 2, Which of the following is the code for Ramesh? Ramesh के लिए clearly है code KI, इसलिए option D हमारा correct answer है. Question number 3, How will Aman is boy written in this code? Aman is NE, is के लिए है LE और boy के लिए है HI, इसलिए option A हमारा correct answer है. Question number 4, Which of the following may represent Mahesh? Clearly ZI है, इसलिए option E हमारा correct answer है.
क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ डज एली, व्हाट डज एली रिप्रेजेंट इन द कोड? एली इज क्लियरली इज, इसलिए ऑप्शन ई अगेन हमारा करेक्ट आंसर है. डायरेक्शन 6 to 10. प्रेज इंडियन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. तो प्रेज हमारा फर्स्ट में है और फोर्थ में है, तो इसलिए एनजीआई हमारा कॉमन है. तो प्रेज का कोड हुआ एनजीआई. नेक्स्ट इंडियन, इंडियन हमारा और डाइवर्सिटी दोनों हमारा फर्स्ट और सेकंड में है, इसलिए कोई एक फिक्स्ड कोड नहीं है. इंडियन एंड डाइवर्सिटी, इंडियन एंड डाइवर्सिटी जिनका कोड होगा एमएलपी. या फिर HLT. तो क्लियरली यूनिटी का कोड हो गया है SNK. यूनिटी हो गया है. इन कहीं भी नहीं है. प्राइड है हमारा सेकेंड और थर्ड में, तो प्राइड का कोड हो गया है RTV और इन का कोड हो गया है SA. नाउ सर्टन का कोड हमारा थर्ड एंड फोर्थ में कॉमन है, तो सर्टन है हमारा RIY, इसलिए ओनली का कोड हुआ LN and E. डिस्टिंग्विश एंड एट का कोड ये होंगे. क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट कुड बी अ कोड फॉर LNE? क्लियरली ओनली है, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर सेवन, RIY, RTV एंड ROI. ROI कहीं भी हमारे इस कोड में नहीं है, इसलिए कोई एक नया वर्ड होगा. RIY है सर्टन के लिए और RTV है प्राइड के लिए. तो क्लियरली सर्टन प्राइड हमारे सब में कॉमन है, लेकिन जो वर्ड हमारे में नहीं है कोड में वो है अबव, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर प्रेज? क्लियरली NGI है हमारा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर नाइन, RIY दैट इज सर्टन, SNK इज यूनिटी एंड MLP के बीच में कंफ्यूजन है इंडियन और डाइवर्सिटी के लिए, इसीलिए या तो इंडियन हो सकता है या फिर डाइवर्सिटी हो सकता है. तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा. सेकंड ऑप्शन देखें बी, तो ये हो सकता है. थर्ड ऑप्शन देखें तो ये नहीं हो सकता है. और सी ऑप्शन में भी नहीं है, डी में भी नहीं है और ई में भी नहीं है, इसलिए क्लियरली ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर एट? कोई फिक्स्ड कोड नहीं है, NOP भी हो सकता है, HUS भी हो सकता है, और दोनों हमारे ऑप्शंस में है, इसलिए ऑप्शन ई दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड हमारा करेक्ट आंसर होगा. डायरेक्शंस 11 to 15, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. बैंकिंग पैटर्न चेंजेस, बैंकिंग और पैटर्न दोनों हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ में कॉमन है, इसलिए इनके कोड फिक्स नहीं होंगे, दैट इज RU and BE. बैंकिंग एंड पैटर्न, तो
क्लियरली चेंजेस का कोड है आरी, नेक्स्ट है करियर, करियर हमारा सेकंड में और फोर्थ में है, दैट इज इसका कोड होगा एनओ, पावर हमारा सेकंड एंड थर्ड में कॉमन है तो पावर का कोड होगा पीए, और अपडेटेड का कोड होगा टीए। इज हमारा थर्ड में और फोर्थ में कॉमन है तो इज का कोड है हमारा डीओ, इट का कोड फिर क्लियरली हमारा हो जाएगा पीआई, तो क्लियरली ये है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कोड फॉर पैटर्न, सिंस कोई फिक्स्ड पैटर्न का कोड नहीं है इसलिए ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज आर यू स्टैंड फॉर, तो क्लियरली या तो बैंकिंग का है या तो पैटर्न का, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर करियर पावर अपडेटेड बैंकिंग चेंजेस, करियर का कोड हो गया एनओ, पावर का कोड हो गया पीए, अपडेटेड का कोड है टीए, बैंकिंग का कोड फिक्स नहीं है, आर यू भी हो सकता है या तो बी ई भी हो सकता है, और चेंजेस का कोड हो गया आर आई। तो क्लियरली अगर हम लोग बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में देखें तो सारे एलिमेंट्स सेम हैं सिवाय बी ई और आर यू के, इसीलिए ऑप्शन डी दैट इज आइदर बी और सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, पी आई आर आई एन ओ इज द कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, पी आई इज क्लियरली इट, आर आई है कोड चेंजेस के लिए और एनओ है कोड करियर के लिए, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्टैंड फॉर पावर, पावर का क्लियरली हमारा कोड है पी ए, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है।